वेलकम टू एजेस एजुकेशन। आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे सोलर ज्योमेट्री पे। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय बीम रेडिएशन विद द नॉर्मल टू अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर पॉइंटिंग ड्यू साउथ लोकेशन इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे दी गई है एट 9 आर। 9 आर मतलब कि 9 AM की ये बात कर। सोलर टाइम ऑन दिसंबर 1, डेट की बात भी कर दी गई है, दिसंबर 1 की बात कर रहे हैं। द कलेक्टर इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऑल्सो कैलकुलेट द डे लेंथ। सबसे पहले देखेंगे कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेशन करनी है पहले जो एंगल बनाएगा सन या सन की बीम इस सरफेस के नॉर्मल पे, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो आपके टिल्टेड कलेक्टर है इससे क्या एंगल बन रहा है ये कैलकुलेट करना है हमने। और दूसरा एंगल है, हमने दूसरी बात में कैलकुलेट कर ली है कि डे लेंथ क्या होगी। इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि कलेक्टर है हमारे पास फ्लैट प्लेट कलेक्टर। कलेक्टर क्या होते हैं कि जो सन की हीट एनर्जी को कलेक्ट करके वाटर का या किसी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ओके, उसे कलेक्टर कहते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है ना, और बहुत सारे कलेक्टर्स होते हैं, वो क्या उसकी वैरायटीज हो जाती है कितने टाइप से कलेक्टर होते हैं। बस मेनली जो कलेक्टर है उसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि जो सन की थर्मल एनर्जी को यूज करे किसी फ्लूइड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। सो इसकी जो फेसिंग है वो साउथ लोकेशन की तरफ फेसिंग है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है। न्यू दिल्ली की है, लैटिट्यूड दिया गया है इसमें, एंड जो टाइम की बात है 9 AM है। सो और जो एंगल ये बनाया गया है, आप देखा होगा कभी भी हम सोलर पैनल की बात करेंगे या सोलर कलेक्टर की बात करेंगे तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के रखा होता है। ये जो एंगल है ये कितना एंगल ध्यान दिया गया है, ये दिया 36 डिग्री एंगल दिया गया। सो कुछ बात बताना चाहता हूं आपको मैं कि यहां पे जो एजिमथ एंगल है वो एंगल है 0 डिग्री क्योंकि साउथ फेसिंग पे है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन डेल इंटू साइन फाई माइनस बीटा इंटू एंटू होगा, सॉरी यहां पे आपका साइन होगा प्लस का। नाउ प्लस कॉस डेल कॉस ओमेगा कॉस फाई माइनस बीटा। सो हम देखते हैं टर्म कौन कौन सी टर्म्स यूज की गई है। डेल क्या है, डिक्लेशन एंगल। फाई लैटिट्यूड जो न्यू दिल्ली का ये दिया गया है, ये दिया गया आपका मिनट्स एंड डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना हमने डिग्री में। ओके, बीटा, बीटा क्या है, ये जो टिल्ट एंगल है इसे इसमें हम बीटा जानते हैं। डेल डिक्लेशन एंगल। ओमेगा, ओमेगा क्या है यहां पे, आर एंगल। ओके, आर एंगल। फाई लैटिट्यूड एंड बीटा अगेन ये टिल्टेड एंगल। सो वन बाय में देखते हैं इसमें हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, पहले क्या क्या चीज मिसिंग है। सो इसमें मिसिंग सबसे पहली बात है डेल निकालना है, ये मिसिंग है। ओमेगा ये मिसिंग है। ओके, बाकी टर्म्स मेरे ख्याल से पूरे हैं। सो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग डेल। डेल का फॉर्मूला होता है डिक्लेरेशन एंगल का, डेल इज इक्वल टू टू बाई सॉरी डेल इज इक्वल टू 23.45 साइन इन ब्रैकेट 360 डिवाइड बाई 365
ब्रैकेट में 284 प्लस 335 दिस वन, ये होता है n, और 1 दिसंबर के लिए n काउंट करेंगे तो 335 आता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ डेज, जनवरी में, फेब में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और देन आफ्टर 1 दिसंबर, यहाँ तक अगर डेट काउंट करेंगे तो हमारा आता है 335। नाउ इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 23.45 साइन इन ब्रैकेट 360 इंटू, इसको काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आएगा? 619 डिवाइड बाय 365। नाउ डेल इज इक्वल टू 23.45 साइन इन ब्रैकेट 610.52। इस टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 610.52। अब डेल इज इक्वल टू 23.45 साइन 610.52 कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है माइनस का 0.9427 अप्रोक्सीमेट। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी माइनस 22.11 डिग्री। ओके, ये डिक्लेरेशन एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ एक चीज और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जो आर एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सो आर एंगल जानते हैं कि 1 आर इज इक्वल टू 15 डिग्री, सो 3 आर इज इक्वल टू 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि आर संख्या कैसे निकालते हैं। हम एक क्लॉक लेते हैं, सो क्लॉक और इस क्लॉक में देखते हैं कि 12 ओ क्लॉक से कितने आर्स ज्यादा कितने आर्स कम है। तो देखेंगे 9 ओ क्लॉक की बात कर रहे हैं, 9 अभी 9 बजे यहां पे सुबह के, सो 12 ओ क्लॉक से ये 3 घंटे पहले की बात कर रहा है। सो 3 आर्स पहले की बात कर रहा है, 1 आर्स कितना होता है? 15 डिग्री होता है, तो 3 आर्स कितना होगा? 15 इंटू 3 डिग्री, सो 45 डिग्री इसका आंसर है। सो आर एंगल ये रहा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सारे टर्म्स हमारे पूरे हो गए हैं, सो हमने बस में वैल्यू को पुट करना है। सो अगेन मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, कॉस डेल इज इक्वल टू साइन और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन डेल इंटू साइन फाई माइनस बीटा प्लस कॉस डेल कॉस ओमेगा एंड कॉस फाई माइनस बीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या वैल्यू थी इसकी, साइन डेल की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 22.11, सो साइन इन ब्रैकेट माइनस 22.11 आगे साइन फाइव को कन्वर्ट करेंगे, मैंने एक वीडियो डाली जिसमें आप डिग्री मिनट एंड सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 28 डिग्री 38 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे
डिग्री में, तो इसकी वैल्यू आती है 28.63 डिग्री। ओके, सो इसको हम यूज करेंगे क्योंकि बाकी सब जो वैल्यूज है वो डिग्रीज में है, और अगर ये डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे सबको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ फाई इज इक्वल टू 28.63 माइनस 36 डिग्री। ओके, बीटा कितना है, बीटा यहां पे देख रहे हैं हम लोग 36 डिग्री है। नाउ प्लस कॉस डेल माइनस 22.11 कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड कॉस अगेन 28.63 माइनस 36 डिग्री। नाउ कैलकुलेट, इसके अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सो क्या आता है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 0.376। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.1282 प्लस, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.926 कॉस 45, 0.707 एंड इसकी वैल्यू आएगी 0.9917। सो इसको एक सिंपल कैलकुलेशन इसको हम कर सकते हैं, देन आफ्टर इन दोनों का कैलकुलेट इनटू कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.0482 एंड अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6497। सो ऐड करने के बाद वैल्यू आती है 0.6974, इट इज इन डिग्री, नो इट्स नॉट डिग्री, ये आपकी सिंपल इसकी वैल्यू आई है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.6974। नाउ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6974, इट इज इक्वल टू 45.77 डिग्री। सो जो पहला पॉइंट था उसको हमने कवर कर लिया है कि द कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द बीम रेडिएशन। सो थीटा इज इक्वल टू 45.77 डिग्री। ओके, मैं एक ही चीज को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि होता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि कहाँ मल्टीप्लाई किसका कर दिया है, इसे वन पॉइंट वन पॉइंट पॉइंट वाइज पॉइंट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया, अब सेकंड बात करते हैं और देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि डे लेंथ की बात की है। तो डे लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डे लेंथ का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू 2/15 कॉस इनवर्स माइनस 10 फाई मीन्स लैटिट्यूड इनटू 10 डेल। सो एन इज इक्वल टू 2/15 कॉस इनवर्स माइनस 10 28.63 डिग्री मल्टीप्लाई 10 माइनस 22.11। ओके, डेल की वैल्यू यही थी, नया पुट करते। सो नाउ द एन इज इक्वल टू 2/15 कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस, जो बाहर माइनस वो हमने यहां लिख दिया माइनस का,
इसको सॉल्व करेंगे 10 28.3663 को, इसकी वैल्यू आएगी 0.5458 एंड इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.4062। सो नाउ कैलकुलेट होगा तो माइनस इनटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। सो 2/15 कॉस इनवर्स 7 इक्वल टू 0.2217। सो इसको इन्वर्स लेंगे सॉल्व करेंगे तो 2/15 7.19 एंड नाउ n इज इक्वल टू फाइनल n इज इक्वल टू 10.29 आर्स, मतलब जो डे की लेंथ होगी वो होगी 10.29 आवर्स। सो आई नो एक क्विक थोड़ा लंबा मेकअप हो गया, लेकिन इसमें मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।